आज दूसरा दिन है अंशु इलेक्शन 2024। काफ़ी लंबे अरसे के बाद, तकरीबन अप डाउन के बाद, आज दूसरे दिन वोटिंग हो रहे हैं और यहाँ देख सकते हैं पीसफुल हो रहे हैं। वापस लौट के आ चुका है शांति, और पिछले कुछ दिनों से काफ़ी तनाव थे, लेकिन अब शांतिपूर्वक ढंग से यहाँ पूरा जो इलेक्शन प्रक्रिया चल रहे हैं, यहाँ पे वोटिंग के साथ साथ बाहर में भी कैंपेन हो रहे हैं। इस वक्त सिद्धार्थ हॉल के नीचे पे है, जो जीरो पॉइंट से जो आते हैं वहाँ, अब देख सकते हैं यहाँ काफ़ी लंबी कतार पे है, यहाँ वोटिंग करने के लिए लोग आए हैं। और देखिए यहाँ कैंपेन के साथ साथ यहाँ वोटिंग भी चल रहे हैं। इसी के दरमियान यहाँ आप सभी को दिखाने के लिए कर रहे हैं कि ये अब आज दूसरा दिन है, तकरीबन 3 दिन लगेंगे वोटिंग प्रक्रिया ख़त्म होने में। कल शाम से शुरू हुए थे, आज जो फिर लगातार चल रहे हैं वोटिंग के साथ साथ। आप देख सकते हैं यहाँ कई बैनर लगाया हुआ है अपने अपने समर्थक यहाँ। सो 2024 से 2027 तक जिसका टेन्योर होगा अंशु का, तो इसीलिए यहाँ इलेक्शन, और कई उम्मीदवार यहाँ पे है, प्रेसिडेंट, GS और बहुत सारे पोस्ट के लिए दावेदार है यहाँ पे, और काफ़ी भीड़ भाड़ है। इस वक्त दिन का वक्त है इसलिए थोड़ा कम नज़र आ रहा है, शाम का वक्त और भी भीड़ भाड़ हो जाते हैं। जैसे कि कल शाम आप देखे होंगे काफ़ी सोशल मीडिया में एवं कुछ न्यूज़ चैनल में कि यहाँ का अपडेट दे रहे हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं बहुत सारा जो अंशु इलेक्शन के चलते यहाँ पे लोग आए हुए हैं वोटिंग देने के लिए। सभी का अपना अपना टाइम वोटिंग देने के लिए, और वोटिंग के साथ साथ यहाँ देखिए उम्मीद करता हूँ 2-3 दिन में यहाँ वोटिंग ख़त्म हो जाएंगे, उसके बाद तुरंत यहाँ काउंटिंग भी शुरू हो जाएंगे। तो कुल मिला के आप देख सकते हैं तकरीबन 6,200 या 6,300 के वोटर्स हैं, लेकिन वोटिंग करने में काफ़ी समय लगते हैं क्योंकि बैलेट बॉक्स के द्वारा किए जाते हैं। यहाँ जितने भी समर्थक हैं अपने अपने स्थान पे हैं, और लेकिन वो लंबी कतार है, वो सिद्धार्थ हॉल की ओर जाते हैं। ये देखिए यहाँ पूरा लंबा लाइन है वोटिंग के लिए, और ये देखिए अपना अपना उम्मीदवार के लिए यहाँ सब जो अपना एडवर्टाइज कर रहे हैं। आपको बता दूँ कि OBC स्टूडेंट्स यूनियन, जो निश समाज के छात्र संघ है, OBC स्टूडेंट्स यूनियन 2024 और 2027 का जो टेन्योर है उसी का लिए यहाँ जो इलेक्शन चल रहे हैं। बता दूँ कि पिछले 3 महीने से लगातार चल रहे हैं, बहुत विवादित रहा इस अंशु इलेक्शन, मगर आखिरकार यहाँ इस मुकाम तक पहुँच गया है। और देखिए सभी लोग अपना अपना बैनर लगाया हुआ है, पूरा लंबे कतार पे है। देखिए तो अभी और भी आ रहे हैं, और एक दिन चलेंगे, एक रात एक दिन, क्योंकि कई स्टूडेंट्स हैं जो अभी तक आए नहीं हैं। लगभग अभी तो सिर्फ 40% जैसे ही वोटिंग हुए हैं, अब और बाकी है। आज शाम रफ्तार पकड़ेंगे और कल शाम तक शायद ख़त्म हो जाएंगे वोटिंग प्रक्रिया, उसके बाद तुरंत ही काउंटिंग में शुरू हो जाएंगे 1 घंटा रेस्ट के बाद। ये देखिए अपना अपना कैंडिडेट के लिए प्रोत्साहित करते हुए सपोर्टर, ये देखिए वोटिंग का लंबा कतार, लंबा लाइन है यहाँ पे, देखिए पूरा लंबा लाइन। आज शांतिपूर्वक रहा, कल दिन को थोड़ा चिंतित करना हुए थे, मगर यहाँ अब बिल्कुल शांत से, और सिक्योरिटी फोर्स भी यहाँ अब इतना नज़र नहीं आ रहे हैं क्योंकि माहौल शांतिपूर्वक बन चुका है, और यहाँ लोगों का जोश भरा हुआ है नौजवानों के बीच, जो निश समाज के छात्र संघ अंशु इलेक्शन 2024 और 2027 के लिए।